ये हमारे कैंपस का गेट है, जो लिखा हुआ है सिन्हा इखा दासवे साउथ वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये वांडा के साइड का है, बैक साइड का। मेरे यूनिवर्सिटी में दो गेट हैं, ये पहला गेट है, ये दूसरे साइड में, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर ये देखिए, फिर ये यहाँ पे गार्ड लोग होते हैं एंट्री के लिए, बाहर से कोई आ रहा है और चेक करते हैं, ये सब इधर उधर का देखते हैं। फिर अभी हम लोग कैंपस के अंदर एंटर कर रहे हैं। और ये अभी जो दिख स्टेयर जो दिख रहा है, ये हाई चौहान इसको बोलते हैं। यहाँ हम लोग का क्लासेस चलता था जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे। इधर से भी जा सकते हैं और आपको भी हम क्लासरूम तक भी लेके जाते हैं, फिर आप लोग देखिए। और फिर यहाँ से हम लोग हाई चौहान में गए, हाई चौहान में जाते हैं। फिर ये है हाई चौहान के अंदर का, बहुत सारे यहाँ रूम होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल के लिए एक ही रूम होता है, उसमें कहा जाता है। ये है रूम 204, फिर अंदर चल के देखते हैं। इसमें एक चाइनीज़ लड़की बैठ के पढ़ रही है, बाकी पूरा रूम खाली है। और फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल ऑफिस के साइड में, जहाँ पे हम लोग अपना फी वगैरह भरते हैं। ये फाइनेंशियल ऑफिस का है, बैक साइड का। फिर अभी हम आपको लेके चलते हैं। ये जो बिल्डिंग दिख रही है, और ये लिखा हुआ है चाइनीज़ में, ये है फाइनेंशियल ऑफिस। यहाँ पे हम लोग अपना फी जमा करते हैं। फिर इसके बाद अपना हम चलते हैं ऑफिस में। पहले हम लोग का ऑफिस होता था डोमेट्री में, 14 डोम में, 14 15 16 डोम था, तो 14 डोम में होता था। अभी ये सब बिल्डिंग जो है ना इधर का, ये नए नए बिल्डिंग बने हैं, पहले नहीं था। हम लोग ऑफिस के साइड में जा रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया। पहले इतना अच्छा नहीं था ऑफिस, लेकिन अभी बहुत ही अच्छा बना दिया है। और ये देख रहे हो, ये बिल्डिंग है, इसके अंदर ऑफिस है। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया है। फिर अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं अंदर, फिर देखते हैं कि क्या है। बहुत ही अच्छा कर दिया है। ये देखिए, इंटरनेशनल एजुकेशन स्कूल लिखा हुआ है, ये बैक साइड में भी लिखा हुआ है। और ये अपना यूनिवर्सिटी का नेम, साउथ वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और ये अपना रहा ऑफिस इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, 105। अभी ऑफिस में कोई है नहीं, शायद लंच करने गए हैं। यहाँ लंच का टाइम हो गया है और हम लोग का थोड़ा काम था, इसलिए आए थे। और ये अपना बैक साइड का है, जो इंटरनेशनल ऑफिस है उसके बैक साइड का, बहुत ही ब्यूटीफुल है। पीछे रिवर भी है। और ये है स्टूडेंट स्टूडेंट्स अफेयर हॉल है। इसके बाजू में ये चाइनीज डोमेट्री दिख रहा है, चाइनीज का डोम बना हुआ है। चलते हैं लाइब्रेरी के बैक साइड में। ये पहले इधर बहुत सारे पेड़ पेड़ थे, लेकिन अभी कट करके बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन टाइप बना दिया है, और बहुत ही ब्यूटीफुल कर दिया है। पहले जब हम लोग कोरोना से पहले इधर तो बहुत कोई ख़ास अच्छा नहीं था, लेकिन अभी बहुत कुछ अच्छा कर दिया है। और ये देखिए, बैठने के लिए अच्छा कर दिया है, राउंड राउंड सर्कल टाइप, ये देखिए। और ये जो है लवर पॉइंट, इसको बोलते हैं, कोई सीनियर का इधर लव एंगल हुआ होगा इसलिए। और ये झील टाइप है, छोटा मोटा रिवर है, यूनिवर्सिटी के अंदर है। और ये जो पेड़ पर दिख रहे हैं, इसके पीछे अपना स्टेडियम भी है। बात चलते हैं अपना लाइब्रेरी, ये बैक साइड का नहीं, बाकी ये लेफ्ट साइड में बोलिए, इधर से जब जाएंगे तो। ये सामने जो दिख रहा है एनाटॉमी बिल्डिंग है, और फिर लाइब्रेरी चलते हैं। ये जो साइड में जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी, यहाँ पे पार्सल आता था जो तबाह करते थे। और ये रहा अपना लाइब्रेरी, अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल है, बाहर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए, ये है अपना लाइब्रेरी। और फिर ये लाइब्रेरी के साइड से ही देखिए, अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये झील टाइप बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सब पेड़ पेड़ लगा हुआ है, इसके अंदर फाउंटेन भी बना दिया है, पहले नहीं था जब हम लोग थे तब नहीं था, अभी कोरोना के बाद आए हैं तो फिर से फाउंटेन बना दिया है। उसके बाद चलते हैं एनाटॉमी के बैक साइड से होते हुए, अभी आपको दिखाएंगे कि फिर उसके बाद हम लोग का कहाँ कहाँ क्लासेस चलता था। और ये यहाँ लिखा हुआ है 1951 एनाटॉमी बिल्डिंग, ये भी है। और ये अपोजिट साइड का है, बहुत ही अच्छा बना दिया, पहले ये नहीं था, अभी बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया है, ऑफिस टाइप और बहुत ही ब्यूटीफुल।
ये रहा अपना एनाटॉमी फ्रंट साइड का, और इधर से ये बैक साइड उधर दिख रहा है, इधर ये ब्रिज है, इधर से हम लोग अपना डोमेट्री भी जाते थे और क्लासेस भी। ये जो रास्ता दिख रहा है ये अपना राइट साइड जाओगे तो डोमेट्री और लेफ्ट साइड जाओगे तो हांगवेनलो और मेंगलो। यहाँ पे हम लोग का क्लासेस चलता था और एक्सपेरिमेंट होते थे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यहाँ पे हम लोग का क्लासेस होते थे। अभी हम लोग जा रहे हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। फिर ये भी गार्डन टाइप बना हुआ है और ये अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, देखिए पत्थर के अंदर कट करके लिखे हैं। और फिर सामने जो दिख रहा है ये स्टेडियम है, और ये जो बिल्डिंग दिख रहा है इसके अंदर हम लोग के क्लासेज एक्सपेरिमेंट होते थे। फिर ये देखिए ये जो पिलर पिलर टाइप दिखा हुआ है, ये कट करके पत्थर का पिलर पिलर टाइप बनाए हुए हैं और इसमें चाइनीज में करेक्टर लिखा हुआ है। ये जो लेफ्ट साइड में बिल्डिंग दिख रहा है इसमें भी एक्सपेरिमेंट और क्लासेस चलते थे। और अभी ये देखिए ये वाली जो राइट साइड में बिल्डिंग है इसमें ओनली एक्सपेरिमेंट होते थे, इसमें हम लोग को मज़ा आता था, एक्सपेरिमेंट करने जाते थे। और यहाँ पे एक फाउंटेन हुआ करता था छोटा सा, तो अभी वो तो बंद हो गया है ठंडा का मौसम है इसलिए। ये देखिए, और फिर ये रहा बिल्डिंग, इसके अंदर क्लासेस और एक्सपेरिमेंट दोनों होते। फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये रहा ये क्लासेस रूम के साइड से ये व्यू, अभी तो बहुत ही ब्यूटीफुल कर दिया है ये देखिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने डोमेट्री के साइड में। ये सब बिल्डिंग अभी न्यू बनी है, पहले नहीं थी। और ये रहा रास्ता, भाई इसी रास्ते पे हम लोग चल चल के क्लासेस जाते थे H1 को, और जब तक गाड़ी नहीं थी, फिर उसके बाद गाड़ी ले लिए तो फिर गाड़ी से जाते थे सब लोग। और ये जो दिख रहा है ये टॉयलेट है, ये देखिए रास्ता, इधर का एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम लोग का डोम भी इधर ही है, अभी हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी चेंजेस किए हैं, पहले बहुत कम पेड़ थे, अभी ढेर सारे पेड़ भी लगा दिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे जगह बहुत ही ब्यूटीफुल कर दिया है। और भाई ये है सबसे फेमस चीज़, ये देखिए इसको, ये इसको बोलते हैं ब्रेकअप पॉइंट। ये यहाँ पे किसी सीनियर का ब्रेकअप होगा, आई डोंट नो, सीनियर लोग बोलते थे कि ये ब्रेकअप पॉइंट है। और जो पहले दिखाया था वो था लवर पॉइंट, ये है अपना ब्रेकअप पॉइंट। यहाँ पे शायद लवर्स लोग ब्रेकअप करते होंगे, आई डोंट नो। और फिर ये सब देखिए, ये रास्ता, ये साइड साइड में चाइनीज डोमेट्री है और ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सब चाइनीज़ों की। और देखिए आप लोग, काफ़ी चेंजेस किया है यहाँ। हम लोग जब पहले यहाँ थे तब कोई खास चेंजेस नहीं था, लेकिन अभी जब आए हैं देख रहे हैं बहुत सारे चेंजेस किए हैं। और फिर ये जो दिख रहा है ये वाला शॉप, यहाँ पे फास्ट फूड मिलता था, जैसे कि अपना ब्रेड बिस्किट्स चिप्स खाना होता था तो यहाँ के भी लेते थे। और डोमेट्री के फ्रंट में बैक में भी मिलता था, फ्रंट में एक पौड़ी होती थी उसके पास में मिल जाता था। और भाई बस अपना डोमेट्री आने वाला है। और फिर देखते हैं ये जो सामने दिख रहा है, ये अपना डोमेट्री का पार्ट का हिस्सा पार्ट है। और ये है चाइना सिम वाले का दुकान। यहाँ पे हम लोग जब न्यू कोई भी आता है यहीं हम लोग सिम खरीदते हैं, अपना चाइनीज सिम। और ये जो सामने जो यहाँ गाड़ी खड़ी, यहाँ भी पार्किंग करते थे और जो खड़े, ये रहा अपना 14 डोम और ये रहा ऑफिस पहले जो यहाँ होता था, अभी तो यहाँ नहीं, अभी जो दिखाया था वहाँ पे ऑफिस हो गया है। और ये जो छोटा सा बना हुआ है ये आई का ऑफिस है, इसके अंदर आई होती है, सब देख रेख करती है। और ये रहा 15 डोम, अपना बांग्लादेश नेपाल और इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है फ्रंट में। ये रहा 15 डोम बॉयज डोम। और भाई देखिए ये रहा गर्ल्स डोम, इसमें गर्ल्स लोग होती थी। अभी तो यहाँ से पूरा खाली पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ भी ये 21, 19, 22 बैच जब आएगा तो इसके अंदर रहेंगे। निकलते हैं और चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये इधर चाइनीस लोग का डोमेट्री है ये। और फिर यहाँ पे ATM होता है, पैसे वैसे निकालना होता है,
एग्रीकल्चर बैंक का होता था और ये चाइना बैंक और ये कंस्ट्रक्शन बैंक था। और यहाँ पे जैसे जिसको आर्ट वगैरह आता है चाइनीज लोग का बना के फिर इधर ये मिरर के अंदर रख देते थे। ये देखिए भाई, ये भी ये अपना कैंटीन है, अपने डोमेट्री के पास का कैंटीन। फिर इधर से जाते हैं भाई, आपको दिखाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बना दिया, हम लोग जब थे तभी बनाया था और बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया है। वहाँ पे एक लोगो लगा दिया है अपने यूनिवर्सिटी का, आपको दिख रहा होगा छोटा सा, ये रहा लोगो, बहुत ही अच्छा बना दिया है। यहाँ पे मैच भी खेलते थे हम लोग और ये लिखा हुआ आई लव SWMU साउथ वेस्ट मीन्स साउथ वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे हम लोग समर में आके बैठते थे रात में, अच्छा लगता था बहुत ही, एकदम पूरा फुला फुला है और बैठने का अच्छा जगह है। ये आप देखिए जो लोगो है, और यहाँ जो ये इसको हम लोग सर्कल बोलते थे, ये सर्कल पे चलते हैं मौज करने। फिर यहाँ हम लोग आके बैठते थे, मेरा सर्कल, ये इधर का व्यू। के बाद हम लोग चलते हैं अभी स्टेडियम, ये रहा अपना स्टेडियम, ये देखिए ये आउटर साइड का है। फिर अभी हम लोग अंदर जाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अभी चाइनीज न्यू ईयर होने वाला है तो उसका प्रिपरेशन चल रहा है, कुछ कैंप टाइप बनाया हुआ है जो इसके अंदर हो। और फिर हमारे जो पी क्लासेस होते हैं फिर वो भी हम लोग यहाँ यहीं आके करते हैं, इसमें एक्सरसाइज टाइप कराते हैं और फिर थोड़ा सा बैडमिंटन खेलो, अपना टाइम पास करो, ये सब पी क्लासेस में। ये रहा अंदर का, ये देखिए ये सब चेयर हैं जहाँ पे हम लोग बीवर जो होते हैं बीवर बैठ के देखते हैं। फिर अंदर जो भी ट्रेडिशनल यहाँ का होता है वो सब देखो, फिर यहाँ ये सब है, ये फिर आउटर साइड का है। ये देखिए मैराथन का लोगो है, दौड़ने टाइप बना हुआ है एकदम फुल पोजीशन में। और फिर ये रहा अपना फुटबॉल का कोर्ट, वो बना हुआ है, वो गोल करने से बचा रहा है। और ये रहा बात, ये देख। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं जो भी न्यू वाला कैंटीन खुला है न्यू कैंपस में, पहले नहीं था लेकिन अभी कोरोना के बाद खुला हुआ है, देखते हैं। ये जो लोग स्टेयर से आ रहे हैं इधर से स्टाफ जाता है, और ये रहा नीचे जाने का, तो बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया है कैंटीन अभी का, देखते हैं शायद क्लोज है कैंटीन, जो वेकेशन चल रहा है ना। के बाद हम लोग चलते हैं यूनिवर्सिटी का दूसरा गेट, ये देखिए ये पत्थर में लिखा हुआ है साउथ वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये रहा दूसरा गेट। इधर से भी हम लोग अंदर इंटर कर सकते हैं।